तो इसी प्रकार सावन जो है अपने आत्मा स्वरूप को आज जगह कर दिया, उसके बारे में किसी को खबर ही नहीं है। जो अपना परिचय है उसको आम सुबह रखे परांग से नामी व्यतिनत स्वयं भू तस्मान परांग पश्चति आंतरात्मन कश्चित जीवा आहुत चक्षु अमृतत्व इच्छन प्रत्यगत मक्षण कोई धीर पुरुष। तो यहां विचार करना है परान से खानी व्यतिरिक्त स्वयं को स्वयं को जो परमात्मा है इंद्रियों को बहे को बना जैसे जल का स्वभाव है नीचे की तरफ बहना, ऐसे इंद्रियों के स्वभाव कैसा है विषयों की तरफ चलना। तो हम लोगों की जो इंद्रियां है बाहर ही दूर रहती है और जितने भी विषयों को सेवन करते हैं कभी भी परिचुट नहीं होती। तो इसमें जो धीर पुरुष है वही अंतर्मुख होता है, आहुत चक्षु का अभिप्राय होता है इंद्रियों को संयमित करना। एक ही चक्षु शब्द का वहां प्रयोग किए उपलक्षण संपूर्ण इंद्रियों को संयमित करना। जो व्यक्ति एक एक इंद्रियों को संयमित करता है किसके लिए अमृतत्व इच्छन, जो अमृत की इच्छा रखता है भगवत प्राप्ति की इच्छा रखता है। शरीर में ऐसा एक तत्व है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। हम लोगों का परिचय तो केवल शरीर तक ही है। जो शरीर नष्ट हो जाता है वहां तक हम लोगों का तालमेल है, इसको ही हम लोग जानते हैं। और शरीर के अंदर जो चैतन्य तत्व है जिसके बारे में हम लोग अभी तक ना सोचे हैं ना समझे हैं कि शरीर में चैतन्य भी कुछ है। बल्ब चल रहा है तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा, तुरंत कहेंगे बिजली है। फैन चल रहा है तो कहेंगे बिजली है। माइक चल रहा है आपको पता नहीं बिजली है। लेकिन बिजली दिखाई पड़ती है क्या? बिजली दिखाई पड़ती है? इन औजारों के माध्यम से आपको पता लगता है बिजली है। ठीक इसी प्रकार जो चक्षु देख रही है, कान से आप सुन रहे हैं, मुख से हम बोल रहे हैं, पैर से चल रहे हैं, हाथ से कुछ कार्य कर रहे हैं, इन इंद्रियों के माध्यम से अनुभव में बात आती है कि अंदर कोई चैतन्य तत्व है। और वो जो चैतन्य तत्व है उसकी खोज होनी चाहिए। शरीर के अंदर जो तत्व है उसकी खोज। बहुत पचित व्यक्ति है जिनको इस प्रकार की जिज्ञासा होती है स्वयं के स्वरूप के बारे में जानने की इच्छा, मैं कौन हूं, इस प्रकार की इच्छा। भगवान का कहे सबके अंदर मैं ही हूं, सर्वस्य चाहम हृदय विश्व मानता सुति ज्ञान मोहु हम चाहे। सबके अंदर भगवान परिपूर्ण है। तो आपके और हमारे अंदर है तो फिर वो अनुभव में आना चाहिए। अनुभव में क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हम लोग जो है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन सब दुर्गुणों के वशीभूत हो चुके हैं और गीता में भगवान रचना कहते हैं कि निरासक्त हो गए, आसक्ति का त्याग होना चाहिए। और हम लोगों की आसक्ति बढ़ती जाती है और बढ़ाते जाते बहुत बढ़ाते हैं और इन आसक्तियों को जितने बढ़ाएंगे उतने दुख आपके अंदर आएगा। और जो व्यक्ति निराशक्त है
राग जिसके पास नहीं है उसका भी क्या है, वैराग्य है। राग रहित होना का मतलब है विराग। न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुने एकांतवासिनः। देवराज इंद्र को भी सुख नहीं है, ना कोई राजा है तो उसको सुख होगा, किसी को भी सुख नहीं है। जो राग रहित है वही व्यक्ति सुखी है। कहीं किसी भी कोने में यदि आपके अंदर राग है तो आप कभी सुखी नहीं होंगे। ऐसे ठंड के महीना था, एक बार भगवान बुद्ध यात्रा कर रहे थे, रात हो गई, एक वृक्ष के नीचे शयन किए, वृक्ष के पत्ता तोड़े नीचे डाले उसमें सो गए। उनके साथ उनका शिष्य आनंद था, उसने कहा महाराज आपको ठंड लगी, नींद ठीक से हुई? वो कहे बेशक मुझे बहुत अच्छी नींद आई, बहुत मीठी नींद थी। नहीं थे ओस गिर रहे थे, चारों तरफ कोहरी ही कोहरी है, पानी टपक रहे हैं, नींद कैसे? और उनके जो शिष्य थे उनको नींद नहीं है। बुद्ध कहते हैं मैं तो बहुत आराम से सोया हुआ, तो आनंद प्रश्न क्या हो, कैसे आपको कैसे सुख मिला, नींद कैसे है? तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति है, सुख सुविधा के सब साधन उसके पास परिपूर्ण है, ठंड के दिन भी है तभी भी उसके असर घर में गरम हीटर लगा हुआ है, मखमल के गद्दे हैं, पिलो है, बोट सूट कोट पहन करके अंदर बैठा है, अंदर सोया।